हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू आवर चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश फॉर सिक्स्थ क्लास। नेम ऑफ द बुक इज़ एंगेजिंग इंग्लिश एंड इट इज़ रिटन बाय प्रीति राय चौधरी एंड साधिका रहमान सिद्दीकी। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ चैप्टर नंबर टू। इट इज़ बेसिकली अ पोयम एंड इट्स नेम इज़ वॉयज। तो आज हम वॉयज जो पोयम है उसको पढ़ेंगे, उसकी जो इंग्लिश है उसको हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे और जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैं आपके प्रॉपर मीनिंग समझाऊंगा और लिटरेरी टर्म्स लाइक सिमिलीज, मेटाफर्स, रिपीटेशन, इस तरीके की चीज़ें भी हम इसमें सीखेंगे। देन उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं या फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो ग्रामर इसमें पोएम में यूज़ हुई है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो बिना किसी और डिले के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि वॉयज जो है वो क्या होती है। वॉयज एक जर्नी होती है, एक लंबी जर्नी होती है जो कि एक शिप पे या स्पेस क्राफ्ट पे तय की जाती है। ये जो पोएम है वॉयज, इसके पोएट हैं हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। इनकी इनकी लाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, वो हम एक बारी फटाफट से देख लेते हैं कि क्या है अबाउट द पोएट हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। 1898 टू 1990 वॉज अ पोएट, एक्टर, म्यूजिशियन एंड फ्रीडम फाइटर। हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जो थे उनका बर्थ हुआ था 1898 में और उनकी डेथ हुई थी 1990 में। वो एक पोएट थे, एक एक्टर थे, एक म्यूजिशियन थे और उसके साथ साथ एक फ्रीडम फाइटर भी थे। सम ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स आर शेपर शेप्ड एंड नून। उनकी कुछ वेल नोन पोएम्स हैं शेपर शेप्ड और नून। He was awarded the Padam Bhushan in 1973. Padam Bhushan is one of the prestigious awards given in India in the field of literature and etc. etc. उनको 1973 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। He played the evil court magician Burfi in Satyajit Ray's film गोपी गाय ने बाघा बाई ने। जैसे कि यहाँ पर जिक्र था कि वो एक एक्टर भी थे, तो उन्होंने एक मूवी में भी रोल प्ले किया था इविल कोर्ट मैजिशियन का, यानी दुष्ट जादूगर का, जिसका नाम बर्फी था। किसकी फिल्म थी वो, कौन था उसका डायरेक्टर? सत्यजीत रे। जिनको नहीं पता, सत्यजीत रे एक बहुत ही रिनाउंड और प्रेस्टीजियस और वन ऑफ द बेस्ट मूवी डायरेक्टर्स हैं इंडिया के। इनकी मूवी थी गोपी गाय ने बाघा बाई ने। इस मूवी में हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्फी नाम से कैरेक्टर था उसका रोल प्ले किया था। ही वॉज द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ द पोएट सरोजनी नायडू। ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो हरिंद्रनाथ जो थे वो सरोजनी नायडू के सबसे छोटे भाई थे। सरोजनी नायडू खुद एक पोएट थी, लेकिन उसके साथ साथ उनकी कुछ और अचीवमेंट्स भी थी जिनका मैं आपको कुछ बताऊंगा। सबसे पहले कि जो सरोजनी नायडू थी वो इंडियाज फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी और उसके साथ साथ फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। कौन? सरोजिनी नायडू। कब? 1925 में। तो चलिए, ये तो पोएट के बारे में कुछ जानकारी थी उनकी लाइफ के बारे में। तो अब पोएम को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया गया है कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा। हम क्या क्या करेंगे इस चैप्टर में? रीड अबाउट द पावर ऑफ इमेजिनेशन ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। एक छोटे बच्चे की इमेजिनेशन की क्या पावर हो सकती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सी हाउ लिटररी डिवाइसेज लाइक रिपीटिशन एंड सिमिलीज आर यूज्ड। हम ये देखेंगे कि रिपीटिशन और सिमिलीज कैसे यूज किए जाते हैं। मैं फर्दर आपको चैप्टर में जब ये मैंशन होगा रिपीटिशन और सिमिलीज, तो मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस द इडियोमेटिक यूसेज ऑफ द वर्ड्स मेक एंड गेट। हम प्रैक्टिस करेंगे क्या? इडियोमेटिक यूसेज ऑफ वर्ड्स मेक एंड गेट। और उसके बाद हम लर्न अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स। हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में भी जानेंगे जो कि एक्सरसाइज में है, उसको हम बाद में करेंगे। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। इफ यू वर टू गो ऑन अ वॉयज वेयर वुड यू लाइक टू गो। उधर पूछता है आपसे, अगर कभी आपको वॉयज पे जाने का मौका मिले तो आप कहाँ पर जाना चाहोगे? वेन समवन गोज ऑन अ हॉलीडे वी विश देम हैप्पी जर्नी और बोन वॉयज। जब कोई छुट्टी पे जाता है या यात्रा पे जाता है तो हम उनको क्या बोलते हैं? हैप्पी जर्नी या फिर बोन वॉयज। बोन वॉयज का मतलब क्या होता है? बोन वॉयज बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का एक शब्द है, सॉरी फ्रेंच लैंग्वेज का एक शब्द है,
जिसका मतलब होता है बेसिकली हैप्पी जर्नी, या आपकी यात्रा शुभ रहे या आपकी यात्रा मंगल में हो। द वर्ड वोयज मीन्स अ लॉन्ग जर्नी ऑन अ शिप और इन अ स्पेसक्राफ्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वोयज क्या होता है, एक लंबी यात्रा होती है जो कि शिप पे या फिर एक स्पेसक्राफ्ट में तय की जाती है। बट अ वोयज कैन ऑल्सो बी अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एज इट टेक्स यू टू द प्लेसेज यू डू नॉट नो एंड टीचेज यू मोर अबाउट यूर सेल्फ। रीड दिस पोएम अबाउट अ चाइल्ड इमेजिनरी जर्नी इन टू अ फार अवे फैंटेसी लैंड। तो वोयज सिर्फ एक लंबी यात्रा नहीं होती, एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने आप को डिस्कवर कर सकते हो, सेल्फ डिस्कवर कर सकते हो आप, क्योंकि ये आपको जो वॉयज होती है ऐसी जगहों पर ले जाती है जिनके बारे में आप कुछ जानते नहीं है, जहाँ पहले कभी आप गए नहीं हैं, और आपको मौका मिलता है अपने आप से बात करने का और अपने आप को जानने का। तो वॉयज समटाइम्स कैन बी अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ओके, तो रीड दिस पोएम अबाउट अ चाइल्ड इमेजिनरी जर्नी इन टू अ फार अवे फैंटेसी लैंड। तो इस पोएम को रीड करिए और पाइए कि एक बच्चा जो है वो कैसे एक अपनी इमेजिनरी जर्नी करता है, कहाँ पर, एक बहुत दूर फैंटेसी लैंड। फैंटेसी लैंड वही होता है जो हमारे इमेजिनेशन में हो, जिस जो रियलिटी में नहीं होता वो कहाँ होता है, फैंटेसी में। ओके, तो अब यहाँ से पोएम स्टार्ट होती है, इसको हम पहले इंग्लिश में करेंगे और फिर इसकी हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। आई विल मेक अ प्रिटी पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन द पॉन्ड। आई विल स्टीर इट ऑल अलोन alone and sail away beyond the seven mountains, seven seas, beyond the seven skies, until I reach the kingdom where the mares have ruby eyes. Very nice lines. तो इसकी हिंदी जानते हैं हम। ऑथर कहता है कि एक बच्चे के थ्रू, बच्चा अपनी इमेजिनेशन में कहता है कि मैं एक प्यारी सी कागज की नाव बनाऊंगा और उसको कहाँ तैरा दूंगा, एक पोंड के अंदर, पोंड यानी एक छोटा सा कोई तालाब। I'll steer it all alone. मैं उसको कंट्रोल करूंगा अकेले ही। स्टीर का मीनिंग होता है किसी चीज को गाइड करना या कंट्रोल करना, लाइक जैसे यहाँ पर गिवन भी है, स्टीर मीन्स टू गाइड और कंट्रोल अ बोट या कोई भी किसी चीज, कार को भी हम स्टीर कर सकते हैं स्टीरिंग व्हील की मदद से। और स्टीर करते करते कहाँ चला जाऊंगा, एंड सेल अवे बियॉन्ड, बियॉन्ड यानी उसके पार, किसके पार, द सेवन माउंटेन्स, सात पहाड़ों के उस पार, सेवन सीज, बियॉन्ड द सेवन स्काईज, सेवन, सात पहाड़ों के पार चला जाऊंगा, सात समुद्रों को तैर के चला जाऊंगा। ये जो सात समुद्र का जो जिक्र हुआ है सेवन सीज का, इसमें देखो क्या है, इसको आप जरा समझें, वर्ल्ड में कितने सी हैं, सात सी हैं, तो यानी कि अगर हमने सात सी पार कर लिए तो हमने मतलब पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर लिया, पूरा वर्ल्ड मतलब घूम लिया। तो यहाँ पर जो पोइट है वो बता रहा है कि वो क्या कर लेगा, सातों समुंदर पार कर लेगा, बियॉन्ड द सेवन स्काईज, सात आसमानों के उस पार चला जाएगा, और जब तक जाएगा, अंटिल आई रीच द किंगडम वेयर द मेयर्स हैव रूबी आईज, जब तक जाता रहेगा वो बच्चा, जब तक वो ऐसे जगह पर नहीं पहुंच जाता। किंगडम यहाँ पर जो वर्ड है उसका मीनिंग है होता है राज्य, ऐसे राज्य में मैं पहुंच जाऊंगा जहां पर मेयर्स की कैसी आंखें होती हैं, रूबी के जैसी। अब मेयर्स क्या होता है, मेयर्स जो होता है वो हॉर्स की फीमेल को मेयर बोला जाता है, घोड़ा जो होता है वो मेयर हॉर्स, और जो घोड़ी होती है उसको बोला जाता है मेयर्स, और मेयर्स की आंखें वहां पर कैसी होंगी, रूबी लाइक होंगी। और रूबी क्या होता है, रूबी एक प्रेशियस स्टोन होता है, लाइक एक जेम होता है, या आप कह लो कि एक कीमती पत्थर होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है माणिक। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं आप, तो आप देखेंगे कि बच्चा क्या इमेजिन कर रहा था, वो कितनी खूबसूरत चीज इमेजिन कर रहा था। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ पे हम आते हैं, इसमें क्या बोलता है चाइल्ड, आई विल मेक अ सिंपल पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन द स्ट्रीम। मैं एक सिंपल सी पेपर बोट बनाऊंगा, कागज की नाव बनाऊंगा, और उसको कहां तैरा दूंगा, एक स्ट्रीम के अंदर। अब स्ट्रीम बेसिकली क्या होता है, स्ट्रीम एक रिवर नहीं होती, स्ट्रीम पोंड में नहीं होता, पोंड एक तालाब होता है, और स्ट्रीम जो होती है वो एक आप कह सकते हैं कि छोटी नदी होती है जो कि किसी बड़ी नदी में जाके मिलती है। और नदी से ये कैसे अलग होती है, नदी जो ज़्यादातर जो नदियाँ होती हैं वो पहाड़ों से निकलती हैं, किसी ग्लेशियर से निकलती हैं, और समुद्र में जाके लास्ट में गिर जाती हैं या किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं।
स्ट्रीम ऐसे नहीं होती है, स्ट्रीम बेसिकली जो होती हैं वो रिवर्स की ट्रिब्यूटरी होती है, यानी कि रिवर्स में जाके मिल जाती हैं, तो छोटी होती हैं, और उनका जो ओरिजिन सोर्स होता है वो भी जरूरी नहीं है कि कोई माउंटेन ही हो। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्म था, पर मैंने ऐसे ही कर लिया आपके साथ डिस्कस। उसके बाद क्या बोलता है, माई पेपर बोट विल सेल अवे एज सॉफ्टली एज अ ड्रीम। यहाँ पर आप थोड़ा सा बात को समझें कि चाइल्ड बोलता है कि जो मेरी पेपर की जो बोट होगी वो कैसे तैरेगी या कैसे जाएगी एज सॉफ्टली एज अ ड्रीम, मतलब एकदम ड्रीम की तरह सॉफ्टली जाएगी, कोई रफनेस नहीं होगी, कोई खिंचातानी नहीं रहेगी, एकदम सॉफ्टली सेल करेगी मेरी बोट। अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम किसके यूज़ के बारे में जानेंगे, सिमिलीज के यूज़ के बारे में जानेंगे, तो ये सिमिली का एक एग्जाम्पल है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल पॉइंट ने दिया है। सिमिली देखो क्या होता है, सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें एक चीज़ दूसरे के रिजेम्बलेंस में दिखाई जाती है, जैसे कि वो इतना चतुर है जैसे कि लोमड़ी, ही इज एज कनिंग एज अ फॉक्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोमड़ी है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत चतुर होता है, बहुत चतुर है, क्योंकि लोमड़ी बहुत चतुर जानवर होती है। तो इसमें भी क्या दिखाया गया है कि माई पेपर बोट विल सेल अवे एज सॉफ्टली एज अ ड्रीम। तो जरूरी मतलब पेपर बोट ड्रीम की तरह नहीं चलेगी, ड्रीम जैसे सॉफ्ट चलता है वैसे पेपर बोट सॉफ्ट चलेगी, ये कहने का यहाँ पर इसका मीनिंग है। तो ये सिमिली का एग्जाम्पल है कि मतलब एक चीज दूसरे के बारे में दिखाई गई है, एक्चुअली वो है नहीं लेकिन है भी। तो आगे क्या बोलता है, बियॉन्ड द 7 वाटरफॉल्स टू द किंगडम ऑफ द वाइज। और जब मेरी नाव जब चलेगी सॉफ्टली एज अ ड्रीम, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, बियॉन्ड द 7 वाटरफॉल्स, 7 झरनों के उस पार चला जाऊंगा, जहां पर क्या है, एक किंगडम है, एक राज्य है। किसका राज्य है, बुद्धिमान लोगों का, वाइज लोगों का, वाइज मीन्स बुद्धिमान। वेयर ड्रीमी ड्राउजी एलिफेंट्स हैव एमेरल्ड फॉर आईज, एमेरल्ड्स फॉर आईज। और जो बुद्धिमानों का जो राज्य है वहां पर हाथी हैं, और वो कैसे हैं, ड्रीमी ड्राउजी एलिफेंट्स हैं, यानी कि ड्राउजी होता है स्लीपी, जो नींद से जो रिलेटेड होता है, और मतलब वो जागते मतलब सोते हैं और सपने लेते हैं, ऐसे वहां पर एलिफेंट्स हैं, और उनकी आंखें कैसी हैं, एमेरल्ड्स के जैसी। अब जैसे रूबी होता है वैसे ही एमेरल्ड होता है, कि प्रेशियस स्टोन होता है, कीमती पत्थर होता है, जिसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, पन्ना। आप इसको भी एक बार सर्च करें गूगल इमेज पे, तो आप ज्यादा अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे कि आपको पोएट जो है वो कहाँ लेकर के जाना चाह रहा है। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ हम करते हैं, इसमें पोएट क्या बोलता है, आई विल मेक अ लवली पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन अ लेक अंटिल आई रीच सम डिस्टेंट श्योर, आई विल बी वाइड अवेक, आई विल पास बियॉन्ड द 7 वर्ल्ड्स टू देयर वेयर नथिंग डाइज बिकॉज इट्स चिल्ड्रन हैव हेवन इन देयर आइज। ओके, तो पोएट बोलता है कि आई विल मेक अ लवली पेपर बोट, मैं एक प्यारी सी पेपर की बोट बनाऊंगा और उसको कहाँ लेकर के जाऊंगा, एक लेक में, यानी कि लेक मीन्स झील में। यहाँ पर जैसे सिमिली का पिछले पैराग्राफ में यूज था, यहाँ पर किस चीज का यूज है, रिपीटिशन का यूज है, क्योंकि आप देखेंगे इस पैराग्राफ में आई विल मेक अ प्रीटी पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन द पोंड, आई विल मेक अ सिंपल पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन द स्ट्रीम, और फिर लास्ट में क्या बोलता है, आई विल मेक अ लवली पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन अ लेक। तो ये जो वॉइस जो पोएम है वो कहाँ से शुरू होगी, एक बोट से शुरू होगी, जो कि इस पोएम की मेन थीम है। तो बार बार जो पोएट जो है वो अपना फोकस किस पे रख रहा है, पेपर बोट के ऊपर रख रहा है, और उस चीज को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, इस चीज को क्या बोलते हैं हम, रिपीटिशन। तो इस बार जो बच्चा है उसकी इमेजिनेशन क्या कह रही है, कि वो एक लवली सी पेपर बोट बनाएगा और उसको कहाँ लेकर के जाएगा, एक लेक में, और कब तक चलेगा, जब तक कि वो एक डिस्टेंट शोर पे नहीं पहुंच जाता। डिस्टेंट मतलब होता है दूर, जैसे डिस्टेंस होती है ना दूरी, डिस्टेंस से बना है डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब दूर, शोर यानी किनारा, एक दूर किनारे पे जब तक मैं नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक मैं वो नाव चलाता रहूंगा। आई विल बी वाइड अवेक, उस दूर किनारे पे पहुंच करके सब कुछ साफ हो चुका होगा और जो बच्चा है वो एकदम जागा हुआ होगा। आई विल पास बियॉन्ड द 7 वर्ल्ड्स, मैं 7 संसार पार करके उस पार चला जाऊंगा, और वहां पर पहुंचकर क्या मिलेगा उसको, टू देयर
वेयर नथिंग डाइज, जहां पर कभी कोई मरता नहीं है, वेयर नथिंग डाइज, बिकॉज इट्स चिल्ड्रन हैव हेवन देयर आइज, वहां पर मरता कोई क्यों नहीं है, क्योंकि वहां के जो छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन जो हैं, चिल्ड्रंस कभी नहीं होता है, बिकॉज चिल्ड्रन खुद एक प्लूरल है, अगर एक बच्चा रहेगा तो चाइल्ड, और अगर एक से ज्यादा बच्चे रहेंगे तो क्या आएगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस कभी नहीं होगा। और उसके जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी आंखों में क्या दिखाई देता है, स्वर्ग दिखाई देता है, हेवन दिखाई देता है, हेवन मीन्स स्वर्ग दिखाई देता है। तो ये पोएम थी, एक बच्चे की इमेजिनेशन थी कि एक वो पेपर की बोट बनाएगा और उसको कहाँ कहाँ वो लेकर के जाएगा। आई होप कि आपको पोएम की जो हिंदी है वो क्लियर हो गई होगी और पोएम की थीम भी आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है या कोई पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज फास्ट एज पॉसिबल। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, लाइक इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, कॉम्प्रिहेंशंस हैं, कुछ ग्रामर के टर्म्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।